हेलो दोस्तों, इसके पहले आपको उत्तरी अमेरिका के एक बार परिचय मैं करा चुका हूँ। तो उत्तरी अमेरिका में आपको क्या क्या देखना है, प्रमुख ज़िले देखना है, नदियाँ देखना है, यहाँ के पठार देखना है और भी खाड़े, सागर, महासागर, इन सब विषयों पर चर्चा किया जाएगा। एक बार इसमें आप पूरे इस मैप को ध्यान से देखिए और मैप को साथ में रखिए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। एक बार पुनः देख लेते हैं। आर्कटिक महासागर सबसे जो ऊपर होता है, ऊपर वाला उत्तर होगा और नीचे का दक्षिण, राइट साइड का आपका पूर्व होगा और लेफ्ट साइड का पश्चिम होगा। ये ध्यान रखना, ये मैप देखने का तरीका है। तो उत्तर में आर्कटिक महासागर है जहाँ पर बिगफोर्ट सागर पाया जाता है और उन्हीं के आसपास कई खाड़ियाँ हैं, जैसे मैकेंजी की खाड़ियाँ हैं। उनकी विशेषता ये सब क्या है अभी आपको बताया जाएगा। थोड़ा सा उसके राइड में आते हैं तो ग्रीनलैंड, जिसको डेनमार्क बोलते हैं, वहीं पर बेफिन की खाड़ी है। बेफिन की खाड़ी है जो विश्व की सबसे चौड़ी खाड़ी है। चौड़ाई में देखें तो ये सबसे चौड़ी जलसंधि है, बेफिन की खाड़ी। हाँ, जो डेविस यहाँ जलसंधि है, विश्व की सबसे चौड़ी है। डेनमार्क के पास स्थित है बेफिन के द्वीप और ग्रीनलैंड के पास में। उसके नीचे आ जाओगे तो लेब्राडोर सागर है। लेब्राडोर सागर है, थोड़ा सा अंदर इंटर करोगे तो हडसन जलसंधि है और थोड़ा सा अंदर करोगे तो हडसन की खाड़ी है। खाड़ी किसे बोलोगे? जल का ऐसा भाग जिसके तीन ओर धरातल हो, उसे खाड़ी बोलते हो। और सागर किसे कहोगे? जल का ऐसा भाग जो तीन ओर जल से घिरा हो, उसे क्या बोलोगे? सागर। और महासागर किसे बोलोगे? खाड़ी और सागर के विशाल भाग को महासागर बोला जाता है। तो ये सागर, महासागर और क्या खाड़ी की बात हुआ। खाड़ी किसे कहोगे? जल का ऐसा भाग जिसके तीन ओर धरातल हो। तो हडसन की खाड़ी कुछ ऐसा ही है। उसके नीचे आ जाओगे तो जेम्स की खाड़ी है। अभी इसकी विशेषता बताया जाए, इसमें कौन कौन सी नदियां आकर गिरती हैं हडसन की खाड़ी में। और अब आ जाइए उत्तर अटलांटिक महासागर की ओर, तो वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड जहां पर स्थित है। उसके नीचे और आ जाओगे तो फ्लोरिडा जलसंधि है, जो फ्लोरिडा प्रायद्वीप के पास में है, क्यूबा से लगा हुआ है। क्यूबा जिसकी राजधानी हवाना है। प्रायद्वीप किसे कहेंगे? ऐसा स्थल वाला भाग है जो तीन ओर से क्या हो? जल से घिरा हो। हमारा भारत भी ऐसा ही कुछ है। जो दक्षिण भारत है वो प्रायद्वीपी भारत कहलाता है। आगे निकलोगे तो युकाटन चैनल है, मैक्सिको की खाड़ी। आप ध्यान से मैप में देखिए, बस मैप आपके साथ होना चाहिए और एक एक चीज़ को समझना है। कंपेस की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी, इसमें जो मिसिसिपी नदी है उस वो आकर मिलती है। ये सब अभी बताया जाएगा। तो मैक्सिको की खाड़ी के बाद अब देखते हैं नीचे और आ जाओगे तो पनामा स्थल जल डमरू है, पनामा सिटी है और यहीं पर पनामा नहर है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ते हैं। उसके बाद ऊपर थोड़ा आ जाओगे तो निकारागुआ झील है। और भी ऊपर आ जाओगे तो ग्वाटेमाला की खाई है। थोड़ा सा किनारों पर और चलोगे तो कैलिफोर्निया की खाड़ी है। कैलिफोर्निया की खाड़ी, कौन सी नदी इसमें आकर गिरती है? कोलोराडो नदी कौन सी, इन सब बातों को बताया जाए। और ऊपर चलते हैं तो जुआना डी फूफा जलसंधि है। यहाँ से वो रेखा चलती है 49 नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, जो दो देशों के बीच सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। 49 डिग्री। इसी बाउंड्री पर पांच प्रमुख झीलें भी पाए जाते हैं। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरान झील, इरी झील, अंटारियो झील। और इनकी विशेषता क्या है अभी ये सब आपको बताया जाएगा। पहले आप एक बार मैप को दर्शन कीजिए, उसके बाद बताया जा रहा है। उसके बाद ऊपर और चलोगे तो अलास्का की खाड़ी हो जाएगा। और भी ऊपर चलोगे तो बेरिंग सागर मिलेगा, उसी के नीचे ब्रिस्टल की खाड़ी मिलेगा। और आगे चलोगे तो एशिया और अलास्का से
जो जलसंधि हुआ है बेरिंग जलसंधि हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका का ये हिस्सा है अलास्का, इसके और एशिया के बीच जो जलसंधि हुआ है उसको बोलते हैं बेरिंग जलसंधि। तो ये पूरा हो गया, इसके चारों ओर क्या क्या कौन कौन सी खाड़ियां हैं, सागर हैं, महासागर हैं, इन बातों को समझ लें। अब आपको एक एक को समझना है कि यहाँ पर क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि कनाडा और यूएसए के बीच जो बॉर्डर का निर्धारण होता है 49 डिग्री से होता है, 49 नॉर्थ से होता है, और यह विश्व की सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा मतलब एरिया बॉर्डर साझा करता है। ठीक, अब पर्वत की बात करते हैं तो अलास्का पर्वत जो अलास्का प्रांत में है, यूएसए का ये हिस्सा है, ये ऊपर आप देखिए बेरिंग जल संधि के नीचे आ जाइए, वहाँ से देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और अलास्का। अलास्का यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट मैकिले है। कौन सी है? माउंट मैकिले चोटी है। आपको दिख रहा होगा माउंट मैकिले दिख रहा होगा, अलास्का पर्वत श्रेणी जहाँ है अलास्का प्रायद्वीप, उसी से थोड़ा सा राइट आओगे और इली यमुना झील है उसी के पास में मैकिले है, मैकिले चोटी है जो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है और यूएसए की भी सर्वोच्च चोटी है। जब उत्तरी यूएसए उत्तरी अमेरिका का हो गया और ये अमेरिका में स्थित है यूएसए में, तो यूएसए का भी हो गया। अब बात कर लेते हैं माउंट लोगन चोटी, तो माउंट लोगन चोटी ये भी अलास्का और एक कनाडा में स्थित है जो उत्तरी अमेरिका की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट लोगन चोटी। तो माउंट लोगन चोटी जिसकी ऊंचाई 5489 है, ये मैकेंजी पर्वत और जो राकी पर्वत है उसके देखो पश्चिम साइड में ये आपको लोगन पर्वत चोटी मिल जाएगी, लोगन चोटी मिल जाएगी माउंट लोगन, जो उत्तरी अमेरिका की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पहली कौन सी हुआ? माउंट मैकिले, और दूसरी कौन सा हुआ? लोगन चोटी। अब पर्वत की बात करें तो राकी पर्वत श्रृंखला यहाँ लंबा सा दिख रहा है, ये पश्चिम साइड है, पश्चिम साइड, ये भी नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, जैसे आपको दक्षिण अमेरिका में बताया गया था इंडीज पर्वत श्रृंखला और उसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुहा थी। तो नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, यह ज्वालामुखी एवं भूकंप से प्रवाहित यह पर्वत श्रृंखला है, पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के किनारे यह स्थित है, और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है इस पर्वत श्रृंखला की तो माउंट एल्बर्ट है जो कि यूएसए में स्थित है, माउंट एल्बर्ट है जो कि यूएसए में स्थित है, राकी पर्वत श्रृंखला की यह चोटी है। एल्बर्ट देख लो कोलोराडो नदी के पास है, जो पेरी घास के मैदान है उसी के पास में है, इर्द गिर्द देखना वो मिल जाएगा आपको एल्बर्ट चोटी। अब बात करें कास्केड पर्वत श्रृंखला की, तो कास्केड पर्वत श्रृंखला इसकी चार चोटियां एरेनियो और हुड 700 और बिटनी, यहाँ बिटनी जो है ये बिटनी सबसे ऊंची चोटी है, बिटनी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये कास्केड पर्वत श्रृंखला हो गया। अब बात कर लेते हैं अपलेसियन पर्वत श्रृंखला का, अपलेसियन पर्वत श्रृंखला या प्राचीन मोड़दार पर्वत का अवशिष्ट पर्वत है उसका उदाहरण है, प्राचीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है और अवशिष्ट पर्वत है। जैसे अपने भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला है, यह भी क्या है? प्राचीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, प्राचीन पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत है। उसी प्रकार ये अपलेसियन पर्वत भी प्राचीन मोड़दार पर्वत है, कनाडा और यूएसए दोनों में स्थित है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो मिचेल है, मिचेल 2037। अब बात कर लें अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी था गुर शिखर जो 1728 मीटर थी। यहाँ से अधात्विक खनिज की प्राप्ति होती है, बालू संगमरमर ये सब जैसे। अब पठार की बात कर ले तो ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो का पठार, मैक्सिको का पठार जो कि मैक्सिको में है,
और जो मैक्सिको का पठार है यहाँ चारी की प्राप्ति होती है। चिया हुआ शहर है जहाँ से चारी का निर्यात किया जाता है। इसे विश्व की राजधानी बोला जाता है। जैसे चिली में आपको तांबे के लिए, कॉपर के लिए फेमस था, उसी प्रकार ये विश्व की राजधानी भी बोला जाता है। किसके लिए? चांदी के लिए। और ग्रेट बेसिन पठार जो कोलोराडो का पठार है, यहीं से कोलोराडो नदी निकलती है जो भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। विश्व की सबसे गहरी घाटी है। अब बात कर लेते हैं ग्रेट साल्ट लेक झील की। तो यह उत्तरी अमेरिका की सबसे खारे पानी की झील है। वैसे देखो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो कैरेबियन सागर है। कौन सा? कैरेबियन सागर है, जो कि एशिया में स्थित है। अब कनाडा की प्रमुख झीलें देखते हैं। तो सबसे ऊपर में जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, आपके आर्कटिक रेखा पर स्थित है, वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पर एक है ग्रेट वियर झील। कौन सा? ग्रेट वियर झील। और नीचे थोड़ा होगे ग्रेट स्लेब, उसके बाद अथवाक्सा, उसके बाद रेंडियर, विनिपेग झील। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि ग्रेट स्लेब झील। तो ग्रेट स्लेब झील से मैकेंजी नदी निकलती है। कौन सी नदी? मैकेंजी। आप मैप में देखते रहिए, जो मैकेंजी नदी निकलती है ये ब्यूफोर्ट सागर में जा गिरती है। जहाँ पर मैकेंजी की खाड़ी है वहीं पर इसका मुहाना है, और आर्कटिक महासागर में है। कहाँ से? ग्रेट स्लेब झील से निकलते हुए मैकेंजी नदी, ये मैकेंजी की खाड़ी में जा गिरती है। खाड़ी दिया है तो ठीक है, नहीं तो ब्यूफोर्ट सागर या आर्कटिक महासागर दिया रहेगा। इसके रास्ते में युकॉन पठार से गुजरती है। अब बात करें विनिपेग झील की, तो विनिपेग झील से निन्सन नदी निकलती है। मैप में आप ध्यान से देखिए, मैप साथ में रखिए। निन्सन नदी निकलती है जो अपना पानी हडसन की खाड़ी में गिराती है। यहीं पर विनिपेग शहर है जो गेहूं की मंडी कहलाता है। विश्व की सबसे बड़ी मंडी है विनिपेग शहर में है। और बात कर लेते हैं तो कनाडा की जो ग्रेट वियर झील है जो आर्कटिक रेखा पर स्थित है। आर्कटिक मतलब 66.5। यह सबसे बड़ी झील है, या यहाँ की सबसे क्या है? बड़ी झील है। ये तो प्रमुख कुछ झीलें हो गई। अब देख लेते हैं कि नीचे उनकी बाउंड्री पर 5 झीलें हैं। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरान झील, इरी झील और क्या, अंटारियो से। तो सुपीरियर झील जो विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, हाँ, इसी पर मिसागी एक पर्वत है जहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। डुलुथ शहर से, जो यूएसए में स्थित है, इसी के पास में मिसागी पर्वत है जहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और सुपीरियर झील और ह्यूरान झील के बीच में एक नदी है जिसका नाम सुनहर है, या यूएसए से सबसे लंबी नहर है। अब बात कर लेते हैं ह्यूरान झील की। तो ह्यूरान झील कनाडा और यूएसए के बाउंड्री पर है। यहाँ पर एक सडवरी नामक स्थान है जहाँ से निकिल, टंगस्टन, तांबा आदि धातुओं की प्राप्ति होती है। मिशिगन झील की बात करें तो मिशिगन झील के पास में ही शिकागो शहर है जहाँ कृषि संबंधित यंत्र की प्राप्ति होता है, और यहीं पर गगनचुम्बी इमारत मास्क का उद्योग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इरी झील की। तो इरी झील प्रदूषित झील थी, अब नहीं है, अब इसकी सफाई हो चुकी है काफ़ी हद तक, और यहाँ पर सर्वाधिक उद्योग किया जाता है। डेट्रॉइट एक शहर है जो मोटर गाड़ियों के सामान के लिए फेमस है। अंटारियो झील या सबसे लास्ट में है, यहीं पर नियाग्रा जलप्रपात भी है। जलप्रपात का मतलब वाटर फॉलिंग, जो ऊपर से जल गिरता है। सेंट लॉरेंस और किंगस्टन यहाँ के स्थान हैं जो रेल उद्योग के लिए फेमस हैं। कौन कौन से? सेंट लॉरेंस और किंगस्टन। थोड़ा बात कर ले कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। और विश्व की जो सबसे खारे पानी की झील है वो भी कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे ताजे पानी की झील बात करें तो सुपीरियर झील है। यदि इनके क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा कैस्पियन है, उसके बाद सुपीरियर है, उसके बाद विक्टोरिया जो अफ्रीका में है, उसके बाद ह्यूरान जो कि उत्तरी अमेरिका में। कैस्पियन एशिया में है, सुपीरियर
ये भी उत्तरी अमेरिका में, विक्टोरिया अफ्रीका में है, और ह्यूरॉन ये उत्तरी अमेरिका में है। जो सुपीरियर झील है ये कर्क रेखा में विषुवत रेखा से उसके ऊपर से गुजरता है, विषुवत रेखा इस झील के ऊपर से गुजरता है। इनसे तीन देश लगे हैं, केन्या, तंजानिया और क्या युगांडा, ये अफ्रीका के तीन देश इनसे लगे हैं। अब बात कर लेते हैं घास के मैदान, तो पेरी घास के मैदान अभी मैं चर्चा किया था, पेरी घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं जो शीतोष्ण कटिबंध में उपस्थित है। गेहूँ का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन के मामले में देखें तो चीन प्रथम नंबर पर है और निर्यात के मामले में देखें तो यूएसए है, क्योंकि यहाँ से गेहूँ का निर्यात किया जाता है। पशुपालन भी किया जाता है, गाय सुअर आदि का, तो चरवाहों के नाम यहाँ जो होते हैं जो गाय या पशुपालन करते हैं उन चरवाहों का नाम काऊ बॉय होता है। काऊ बॉय का मतलब वो गोल टोपी लगाकर घोड़े पर बैठकर और चाबुक का इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लें यहाँ की नदियों का, तो यहाँ की जो नदी है एक यूकान नदी है, यूकान नदी जिसका स्रोत मैकेंजी पर्वत से है। मैकेंजी पर्वत ये आप देख सकते हैं मैप में, मैकेंजी राखी पर्वत जहाँ से स्टार्ट होता है उसी क्षेत्र में, अलास्का पर्वत की श्रेणी के क्षेत्र में है। और स्रोत क्या है, मैकेंजी पर्वत से निकलती है और अपना जल कहाँ गिराती है, बेरिंग सागर में। कहाँ जल गिरा देती है, बेरिंग सागर में। और यह कनाडा की दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहली कौन सी है, पहली तो मैकेंजी नदी है, दूसरी कौन सी है, यूकान नदी। अब मैकेंजी नदी को देख लेते हैं जिसका स्रोत ग्रेट स्लेव झील से है, ग्रेट स्लेव झील से है, और यह अपना पानी आर्कटिक महासागर बी फोर्ट और बोले तो मैकेंजी की खाड़ी में गिराता है। इसकी विशेषता यह है कि कनाडा की सबसे लंबी नदी है। अब और नदियों में देखें तो चर्चिल नदी है, चर्चिल नदी इसका स्रोत रेंडियर झील से हुआ है और निकास हडसन की खाड़ी में हुआ है, कनाडा देश में स्थित है। नेल्सन नदी जो वेनिपेग झील से निकली है, कहाँ से, वेनिपेग झील से निकली है और हडसन की खाड़ी में अपना जल गिराती है, कनाडा देश में है। वेनिपेग शहर यही स्थित है जो गेहूं के लिए फेमस है, अभी मैंने बताया था। सेंट लॉरेंस नदी जो अंटारियो झील है, अंटारियो झील से निकलती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिरती है, अपना पानी कहाँ गिराती है, सेंट लॉरेंस खाड़ी में। अरे वहीं सेंट लॉरेंस नदी है जहाँ पर पांच झीलें हैं, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील और अंटारियो झील है। वहीं अंटारियो झील से निकलती हुई सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जा गिरती है। कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर ये सबसे व्यस्त स्थलीय जलमार्ग है, क्योंकि व्यापार यहीं से किया जाता है। अब बात कर लेते हैं तो हडसन नदी का, तो अपलेसियन पर्वत से निकलती है और उत्तर अटलांटिक महासागर में अपना पानी गिराती है, यूएसए में है। इस नदी पर न्यूयॉर्क शहर है जो कि जनसंख्या के आधार से देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा शहर है। हडसन नदी, ये विशेष बात लिख लेना कि हडसन नदी और इरी झील के बीच में एक नहर है जिसका नाम इरी नहर है। हडसन नदी और इरी झील के बीच में एक नहर है जिसका नाम क्या है, इरी नहर। अब रियो गांद्रे नदी देखते हैं, तो रियो गांद्रे नदी कहाँ से निकला है, ये राखी पर्वत श्रृंखला से निकला है और अपना पानी मैक्सिको की खाड़ी में गिराता है। अभी मैं बताया था कि मैक्सिको की खाड़ी में कौन सी नदियाँ अपना पानी गिराता है, अभी मिसिसिपी भी आएगा और यूएसए और मैक्सिको पर है ये सबसे ज़्यादा, इस पर क्या अपना सीमा भी बनाता है, यूएसए और मैक्सिको पर सबसे ज़्यादा सीमा यह नदी बनाती है, कौन सी, रियो गांद्रे नदी। मैप में देखते रहिए रियो गांद्रे नदी। अब बात कर लेते हैं कोलोराडो नदी, तो कोलोराडो ये राकी पर्वत से निकलती है, प्रशांत महासागर में जा गिरती है पश्चिम में और यूएसए में बहती है। इस नदी पर वी आकार की घाटें निर्मित होती है, वी आकार की घाटें निर्मित होती है। अब
बात कर लेते हैं कोलंबिया नदी को, तो कोलंबिया नदी यह राखी पर्वत से भी निकलती है, प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है, यूएसए में बहती है। यूएसए की ये प्रशांत महासागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी विशेषता यह है कि यह प्रशांत महासागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी? कोलंबिया, जो राखी पर्वत से निकलती है और प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। अब बात करते हैं फ्रेजर नदी का, तो फ्रेजर नदी राखी पर्वत से निकलती है और प्रशांत महासागर में अपना पानी गिराती है। यूएसए और कनाडा के मध्य यह सीमा बनाती है और यूएसए और कनाडा देश में भी है। कौन सी? फ्रेजर नदी। अब बात करें सुपीरियर क्षेत्र से एक नदी निकलती है, मिसिसिपी नदी, और इसका एक सहायक नदी मिसौरी नदी है जो सेंट लुइस में आकर मिलती है। उसके बाद अरकानसास नदी आगे आकर मिलती है, आगे पुनः एक नदी मिलती है रेड नदी, और इन सब का जल मैक्सिको की खाड़ी में जा गिरता है। यदि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी की बात करें तो रेड इंडियन एक्समो और क्या इन्यूट होता है। कौन कौन? रेड इंडियन एक्समो और क्या इन्यूट। तो अभी तक आप क्या क्या पढ़े उसे एक बार ध्यान से देखना और वीडियो को पुश कर लिख लेना, मैं साथ में होना चाहिए। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर जरूर करता, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पसंद आया हो तो लाइक कर लेना। और मेरा खुद का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाकर वहाँ से हमारा खुद का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं सीपी सर सर्च करके। तो धन्यवाद, ध्यान से देखिए। ये पूरा उत्तरी अमेरिका का था, विस्तार से रिविजन था, समझना था। अब इसके बाद मैं नया कोई भी महाद्वीप लेकर आ जाऊँ, जैसे भी बोलो, एशिया, अफ्रीका, कोई भी, चलो एशिया ही ला देंगे, ठीक। एशिया महाद्वीप, वहाँ की प्रमुख जिले, पर्वत श्रृंखलाएँ, जो भी देश हैं उनकी प्रमुख विशेषताएँ के बारे में बताया जाएगा। तो अगला वीडियो का, अगले सेशन का इंतज़ार करें। जय हिंद।